सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, ये जो मैसेज आ रहा है ये बिल्कुल गलत है, एज पर लो ये बिल्कुल गलत है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ये मैसेज सही है या गलत। मेरे विचार से पूरा गलत है, मैं आपको प्रूव करके देता हूँ ये ऐसा पूरा गलत क्यों है। मैसेज क्या है, मैसेज ये कहता है रजिस्ट्रेशन कैन बी सस्पेंडेड, कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है ना। कब, एज द परसेंटेज डिफरेंस इन लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड, अगर आपकी 3B, ठीक है ना, वेरी फ्रॉम 10% द लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड इन GSTR 1, कि अगर 10% से ज्यादा का वेरिएशन हुआ तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा। सेम केस ITC के केस में कहता है। अब मैं इस मैसेज को गलत क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझिएगा कि ये जो रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड वाली बात है या जो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन वाली बात है, ये वाली बात हमारी लिखी कहां पर है भाई। अगर मैं रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की बात करता हूँ, सस्पेंडेड की बात करता हूँ, सेक्शन 29(1) और सेक्शन 29(2) कहता है। अब जब हम सेक्शन 29(1)(2) को पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि अगर आपका 10% से ज्यादा वेरिएशन होगा तो हम आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देंगे। अगर मैं बात करता हूं किस चीज की, यहां पर मैं आपको दिखा दूं रूल 21 और रूल 21A। अब यहां पर भी कहीं पर ये 10% की बात नहीं करता है, तो जब ये 10% की बात कर ही नहीं रहा तो आप इस तरह की धमकी कैसे दे सकते हो। क्या ये पोर्टल ही हमारा GST लॉ बन गया? अगर आप रूल 21 और रूल 21A को पढ़ेंगे ध्यान से, तो यहां पर लिखा हुआ है कि भाई फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन एक्सेस ऑफ, यहां पर लिखा हुआ इन एक्सेस ऑफ, लेकिन कितना परसेंट लिखा हुआ ये कहीं नहीं लिखा। यहां पर लिखा हुआ है कि ITC अवेल्ड कर लेता है लेकिन वोलेशन ऑफ सेक्शन 16, लेकिन 10% की तो बात कहीं नहीं लिखी। चलो रूल 21A भी पढ़ लेते हैं। जब हम रूल 21A पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है और सच अदर एनालिसिस एज मे बी कैरिड आउट फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। तो यहां पर आप मुझे बताओ कि जो पोर्टल है ये बाय सेंडिंग है कम्युनिकेशन ईमेल एड्रेस दिस, ये जो पोर्टल है क्या ये पोर्टल अपने आप से लॉ बना सकता है क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। तो अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देते हो कि हाँ सर ये पोर्टल लॉ बना सकता है 10% का, तो बात ठीक है, पोर्टल को ये मैसेज दिखाना चाहिए। लेकिन जब तक ये एक परसेंटेज फिक्स रूल के माध्यम से नहीं हो गई, तो मेरे हिसाब से ये वाला वार्निंग मैसेज गलत है। पोर्टल को लॉ के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि अगर पोर्टल लॉ के हिसाब से नहीं चलेगा तो असेसी कंफ्यूज हो जाएगा। कैसे कंफ्यूज हो जाएगा, अगर आपको पता हो, अगर हम अपील फाइल करते हैं तो अपील फाइल हमारी कैश में भी हो जाती है और क्रेडिट लेजर से भी, लेकिन लॉ कहता है कि सिर्फ कैश से करनी है, क्रेडिट से नहीं करनी। तो पोर्टल का काम यूजर को, असेसी को ठीक तरीके से काम कराना है, उसे मिसगाइड करना नहीं है। अब यहां पर ये जो वार्निंग मैसेज आपने दिया है पोर्टल जी, ये वार्निंग मैसेज आपने किस सेक्शन के थ्रू दिया? क्या आपने अपना लॉ बना लिया? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो GSTN पोर्टल की भी कुछ जवाबदेही होनी चाहिए। आप इस तरह का मैसेज मेरे हिसाब से नहीं दे सकते। आप इस तरह का मैसेज देकर हमें मेंटली हरास कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, जब तक रूल में ये 10% की बात नहीं आ गई तब तक ये ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस मैसेज से आपको डरना नहीं है, ठीक है ना, बस आपको ये चेक करना है कि तुम्हारा डिफरेंस ज्यादा ना हो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सस्पेंड का नोटिस आ जाए तो पहले वो सेक्शन चेंज करना है, फिर वो रूल चेक करना है जहां पर 10% लिखा हो, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि ये ऐसी चीज कहां लिखी है। बजट के ऊपर आपने हमारी वीडियो देखी ली होगी और हम इस पे डिटेल्ड वीडियो बनाकर अपने पेनड्राइव मेंबर्स को भी देने वाले हैं, तो जिन्होंने अभी तक पेनड्राइव रिन्यू नहीं कराई है तो वो रिन्यू करा ले। और इसके अलावा जो हमारा फरवरी का एडिशन आने वाला है मैगजीन का, उसमें भी हम ये चीजें देने वाले हैं। तो अगर किसी ने मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके
मैगजीन को सब्सक्राइब करा ले। और अगर मैगजीन की सैंपल कॉपी चाहिए तो भाई मैगजीन की सैंपल कॉपी इन नंबर पर व्हाट्सअप करके या बजट की कॉपी इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप ले सकते हैं। अरे सर कुछ फ्री भी दे दिया करो। हाँ फ्री में दे रहा हूँ ना मैं तुम्हें। अब की बार जो हमारा सेशन है वो फ्री है, ठीक है। किस चीज पे सेशन है? हाउ टू अचीव योर गोल। आप अपनी लाइफ में अपने गोल को कैसे अचीव करें, ये किस बुक पर बेस है, थिंक एंड ग्रो रिच, इसका पूरा समरी करूंगा मैं आपको, ठीक है। अगर ये सेशन आपको अटेंड करना है तो आप अटेंड कर सकते हैं, इसकी कोई भी फीस नहीं है। इस सेशन को अटेंड करने के लिए ये जो नंबर दिए गए हैं आप इन पर कॉल कर सकते हो, या यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है आप वहाँ पर जाकर बात कर सकते हो। इस सेशन से आपको अपने जीवन में गोल अचीव करने में मदद मिलेगी। चलिए वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल आपने तो सब्सक्राइब करा दिया, लेकिन अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे उनकी नॉलेज बढ़े। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।